जय हिंद। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप चालान से लीगली कैसे बच सकते हैं। जी हां दोस्तों, डिजिटल बने, चालान से बचें। आज का यह स्लोगन आने वाली इस वीडियो के लास्ट तक अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको पूरा चरितार्थ हो जाएगा कि मैंने स्लोगन क्यों दिया कि डिजिटल बने और चालान से बचें। दोस्तों, इसके ऊपर केंद्र सरकार और एवं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एवं हाईवेज दोनों ही वहाँ पर संस्थान जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सभी RTOs को एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो वहाँ पर अपने जो ज़िले के अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए RTO जा रहे हैं या फिर अन्य काम की वजह से भी जो RTO जो विजिट कर रहे हैं, उनको ये जानकारी दी जाए कि वो डिजिटली जो है सारे काम काज अब करवा सकते हैं RTO के, और वो डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है उससे वो जुड़ें और उससे उनका भी लाभ होगा एवं आने वाले दिनों में इससे कंट्री को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस RTO को आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज जो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अब आप डिजिटल बने, क्योंकि RTO एवं सभी जो है वह RTO के संबंधित कामकाज जो हैं, वो चाहे वाहन पोर्टल वाले हों या फिर सारथी पोर्टल वाले हों, ये सारे जो हैं वो कामकाज अब आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसी के तहत दोस्तों, अब आप जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस, लर्निंग लाइसेंस या फिर RC हो, सभी डॉक्यूमेंट्स अब आप वहाँ पर इसको आप अपने डिजिटली मोबाइल में रख सकते हैं, और इससे आप वहाँ पर अगर किसी भूलवश, किसी कारणवश वहाँ पर कहीं बाहर जाते हैं और आप ड्राइविंग लाइसेंस हो या RC हो, लर्निंग लाइसेंस हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप चाहे वो गाड़ी के कोई पेपर हो वो भूल जाते हैं, तो अपने मोबाइल से ही वहाँ पर उस RTO कर्मी या पुलिस कर्मी या ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर आप आसानी से वहाँ पर बच सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर सभी वाहन मालिकों एवं चालकों को एडवाइजरी जारी करके जानकारी भी दी जा रही है कि वो अब डिजिटल इंडिया के तहत अपने सभी जो कागजात हैं वो ऑनलाइन ही सेव करके रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि यह भारत सरकार के दो मान्यता प्राप्त ऐप हैं, जिसमें पहला है डिजी लॉकर और दूसरा है वहाँ पर एम परिवहन ऐप। ये दोनों ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सपोज़ दैट आप वहाँ पर डिजी लॉकर डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप लोग अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद आधार कार्ड को लिंक कर दीजिए, देन आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से जो भी वहाँ पर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया होगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड, आपकी मार्कशीट वगैरह, सभी चीज़ें आप डिजिटली वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में डाउनलोड करके आपको उसको सेव करके रख लेना है। एक बार आप वहाँ पर सेव करके रख लेते हैं तो फ्यूचर में आपको फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा और ना ही वहाँ पर किसी आपको झमेले में या फिर चक्कर में पड़ना पड़ेगा। सीधे आप वहाँ पर दस्तावेज को ऑनलाइन दिखा सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। तो इसमें कोई भी झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हूँ और जल्द ही नए वीडियो भी आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा कि डिजी लॉकर एवं एम परिवहन ऐप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नई जानकारी है कि अब आप डिजी लॉकर एवं एम परिवहन ऐप की मदद से आप डिजिटली सारे डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हैं। ये नियम काफ़ी पहले से है, बट आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही चाहती है कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा डिजिटली इंडिया को बदलने में उसका सहयोग करें। तो ये जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी वीडियो पसंद पसंद है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, एवं कोई भी डाउट को क्वेश्चन यूट्यूब कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर जुड़कर पूछ सकते हैं। सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यहाँ तक वीडियो देखा और अभी तक के लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको फ्यूचर में मिलती रहे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।